वेलकम बैक टू माय चैनल बैकबेंचर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम। डेफी हेलमैन की एक्सचेंज, इसी एल्गोरिदम को हम एग्रीमेंट एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। मिसाल, आपको अगर एग्जाम में आ जाता है एग्रीमेंट एल्गोरिदम, तो डोंट वरी, वो भी सेम ही होता है, क्योंकि डेफी हेलमैन की एक्सचेंज का दूसरा नाम है एग्रीमेंट एल्गोरिदम। अब पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो पर्सन थे हमारे पास। पहला जो था उसका नाम था व्हाइट फील्ड डेफी, और सेकंड जो था इसका नाम था हेलमैन। ये दो पर्सन्स ने ये एल्गोरिदम बनाया है, ठीक है, डेफी हेलमैन एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम बनाया क्यों, क्या वजह थी, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, वो थी हमारे पास की एक्सचेंज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो ये की एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी, इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिदम बनाया गया था, ठीक है। और इस की में क्या होता है, दो पार्टीज जो एक दूसरे के साथ सीक्रेटली कम्युनिकेट करना चाहती हैं, वो क्या करती हैं, एग्री हो जाती हैं सिमेट्रिक की यूज करती हैं, और उसके बाद एक दूसरे के साथ टेक्स्ट कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकती हैं, मैसेज ट्रांसफर कर सकती हैं। ये है हमारा एल्गोरिदम का थोड़ा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम अच्छी तरह से इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम, अब थोड़ा सा देखते हैं इस एल्गो के स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप, नंबर पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टू पार्टीज है हमारे पास, एक है एलाइस और है बॉब। सपोज ए बी या कुछ भी, एलाइस एंड बॉब, ज्यादा क्रिप्टोग्राफी के टर्म्स में हम ज्यादातर यूज करते हैं दो पार्टीज, एक को एलाइस दूसरे को बॉब, हमेशा क्रिप्टोग्राफी में यही यूज करते हैं। अदरवाइज आप ए बी भी ले सकते हैं, तो मैंने भी क्रिप्टोग्राफी की टर्म्स यूज की, दैट्स ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। एलाइस एंड बॉब, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करेंगे, टू लार्ज प्राइम नंबर्स देखेंगे, टू लार्ज प्राइम नंबर्स, दे विल चूज टू लार्ज प्राइम नंबर्स। सपोज एक है n और दूसरा है g, कर लिया इन्होंने दो प्राइम नंबर्स चूज और एक दूसरे को सेंड कर दिए। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, जो एलाइस है वो कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करेगा, चूजेस रैंडम नंबर, ठीक है। वो उसने जब रैंडम नंबर कोई चूज किया जिसका नाम हमने रखा x, लेट x बी द रैंडम नंबर, वो ऐसे चूज करेगा सच दैट a शुड बी इक्वल टू g रेज टू द पावर x मॉड n। ये सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर्मूला, जब ये x चूज करता है तो एक इसके बराबर होना चाहिए g रेज टू द पावर x मॉड n। इसको हम बाद में अच्छी तरह से मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। नंबर थर्ड स्टेप इसमें क्या आएगा, अब जो नंबर कैलकुलेट किया, ये नंबर एलाइस सेंड करेगा किसको, सेंड नंबर ए टू बॉब, एलाइस ने यही नंबर ए किसको सेंड कर दिया, बॉब को। फोर्थ पे, अब जैसे अलाइज ने चूज किया था रैंडम नंबर, सेम इसी तरह बॉब क्या करेगा, ही चूजेस अ रैंडम नंबर, बॉब ने भी एक रैंडम नंबर चूज किया, रैंडम नंबर अलाइज ने एक्स चूज किया था और बॉब क्या चूज करेगा, वाई, सच दैट, ऐसे चूज करेगा कि बी किसके बराबर होगा, बी को जब कैलकुलेट करेगा, बी शुड बी इक्वल टू जी रेज टू द पावर वाई मॉड एन। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए, ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के स्टेप्स है। अब क्या करेगा, अब पहले तो बॉब ने सेंड किया था, एलाइस ने सेंड किया था, अब बॉब सेंड्स नंबर बी टू एलाइस, अब बॉब ये नंबर किसको सेंड करेगा, एलाइस को सेंड, ठीक है। अब नंबर सिक्स, अब क्या होगा, ए जो है एलाइस जो है, एलाइस क्या करेगा, इस नंबर को कंप्यूट करेगा, ए कंप्यूट्स द सीक्रेट की, अब ये सीक्रेट की को कंप्यूट करेगा, पहले एलाइस की हम के वन रख देते हैं, तो के वन को जब कंप्यूट करेगा वो निकलेगा बी रेज टू द पावर एक्स मॉड एन, ठीक है, हो गया सिक्स टेन। सेम बी भी यही करेगा, नाउ अब जो बी है, बी भी क्या करेगा, ही विल आल्सो कंप्यूट द सीक्रेट की, उसने भी अपनी सीक्रेट की को कंप्यूट की, लेकिन इसकी सीक्रेट की क्या है, के टू, और यहां पे के टू क्या आएगा, यहां बी रेज टू द पावर एक्स था, यहां पे ए रेज टू द पावर एक्स मॉड एन। ये रहा हमारा एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम, डेफी हेलमैन एल्गोरिदम। अब इसी एल्गोरिदम को हम मैथमेटिकल्स के एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल,
ऑफ एल्गो. ठीक है, अभी तक तो हमने जस्ट एक थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था कि कौन सी चीज कैसे लेते हैं, वो एल्गोरिदम के कुछ स्टेप्स थे. अब अगर हमें एग्जांपल देनी है तो वही सेवन स्टेप्स को एग्जांपल लेंगे. पहला स्टेप क्या था, एलिस और बॉब ने दो नंबर्स चूज किए थे एन एंड जी. यहाँ पे सपोज एन वो चूज करता है 11 और सपोज जी वो चूज करता है 7. कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया ताकि हमें आसानी हो जाएगी कैलकुलेट में, वरना ये बड़े नंबर्स लेते हैं. सेकेंड, उसके बाद एलिस ने रैंडमली एक नंबर चूज किया था x. ठीक है, सपोज यहाँ पे उसने x चूज किया 3, लेकिन हमने बोला था सच दैट x a इज इक्वल टू g रेज टू द पावर x मॉड n, a इसके बराबर आना चाहिए. तो चलिए a का वैल्यू निकालते हैं. a इज इक्वल टू g क्या है, ये 7, x क्या है रेज टू द पावर 3 मॉड n, क्या है यहाँ पे 11. तो जब हम 7 रेज टू द पावर 3 मॉड 11 करते हैं, पहले 7 रेज टू द पावर 3 वो होता है 343 मॉड 11. जब मैथमेटिकली 343 को आप मॉड 11 करेंगे, कैलकुलेटर पे कर दीजिए, तो उसका आंसर आता है 2. ठीक है, ए का वैल्यू 2. अब थर्ड क्या था, एलिस ने ये 2 सेंड करना था बॉब को. एलिस ने क्या कर दिया, सेंड कर दिया यही 2 किसको, बॉब को. ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, अब बॉब यही कैलकुलेशन करेगा. अब बॉब ने क्या किया, एक रैंडम नंबर चूज किया वाई. ठीक है, जो एल्गोरिथम के स्टेप थे हम सेम वही स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं. ठीक है, अब बॉब ने वाई चूज किया, सपोज अब बॉब ने चूज किया 6, लेकिन कैसे, सच दैट बी किसके बराबर बॉब को होना चाहिए, बी शुड बी इक्वल टू जी रेज टू द पावर वाई मॉड एन, ये होना चाहिए. तो चलिए बी विल बी इक्वल टू जी, जी क्या था 7, रेज टू द पावर 6, क्यों 6 क्योंकि y है, मॉड n क्या था 11. तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे. तो आगे बढ़ते हैं, b विल बी इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 6 होता है 117649 मॉड 11, और यहाँ पे b का वैल्यू जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं आता है 4. तो b का वैल्यू क्या आ गया, 4. वही स्टेप से, सेम वही स्टेप, अब हमने उनको लेकिन मैथमेटिकली दिखाया. फोर फिफ्थ वाला, अब फिर क्या करेगा बॉब, जो है ये 4 किसको सेंड करेगा, एलिस को, जो हमने स्टेप में पढ़ा. अब सिक्स क्या कर रहा था, अब फिर ए ने बॉब, एलिस ने क्या किया था, कंप्यूट की थी अपनी सीक्रेट की, कौन सी, K1, अपनी सीक्रेट की थी उसने K1. तो K1 उसने कैसे की थी, K1 का फॉर्मूला क्या था, जो हमने पिछला पढ़ा एल्गोरिदम में, मॉड एन. ठीक है, तो यहाँ पे K1 क्या आएगा, बी क्या है 4 रेज टू द पावर x क्या है, सारे वैल्यूज दे चुके हैं, x इज इक्वल टू 3 मॉड n क्या है, n है 11. और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा k1 का वैल्यू जो आता है दैट विल बी इक्वल टू 4 4 16 एंड 16 इनटू 4 दैट विल बी 64 मॉड 11, और k का वैल्यू आ गया 9. k1 का, क्योंकि हमने पहले की यूज की है k1 की. सातवां स्टेप क्या था, अब सीक्रेट की पहले एलिस ने की, ये सीक्रेट की किसकी थी, एलिस की. अब क्या करेगा, अब कौन कंप्यूट करेगा सीक्रेट की, बॉब, उसका हमने नाम रखा था k2. कैसे, और उसका वैल्यू भी हम दे चुके थे, वो था a रेज टू द पावर y मॉड n. तो इसी को सॉल्व करते हैं, k2 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे है 2. y का वैल्यू क्या था, जो y चूज किया था 6 मॉड n क्या था 11. तो k2 आएगा 2 रेज टू द पावर 6 64 मॉड 11, और यहाँ पे k2 64 मॉड 11 होता है k2 9. दैट मींस यहाँ k1 और k2 दोनों का वैल्यू सेम आ गया 9 और 9. इसका मतलब इन्हें जो सीक्रेटली इन्होंने बात की थी, ये सीक्रेट रहा, कॉन्फिडेंशियल, और इससे पता चला कि मैसेज जो है वो a से ही आई है और b से, थर्ड पार्टी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया है. तो ये था इसका एल्गोरिदम का एक एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल. अब हम इसको देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली. अब हम इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, प्रूफ कैसे, ये K1 जो है ये K2 के बराबर कैसे आ गया, यही हमें प्रूव करना है, K1 कैसे आ गया हमारा K2 के बराबर. ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं स्टेप 6. फिर से एल्गोरिदम में जाइए, हमने स्टेप 6 में लिखा था K1 किसके बराबर है, b रेज टू द पावर x मॉड n, यही लिखा था. ठीक है, लेकिन जो बी है, बी वो क्या है, बी वो हमने स्टेप पिछले स्टेप 4 में चली जाइए, पिछले स्टेप 4 में हमने b का वैल्यू दिया था g रेज टू द पावर y मॉड n, यही दिया था, ये अपने एल्गोरिदम से निकाल लीजिए, हो गया हमारा वैल्यू. तो इसका मतलब जब हम ये वैल्यू b का क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे. ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ b इन सपोज ये इक्वेशन 1 में b का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वहां से हमें निकलेगा k1 इज इक्वल टू
g raised to the power y x mod n, या k1 will be equal to g raised to the power x y, या that is y y x mod n. ये निकला है k1 का value. ठीक है, अब चलिए फिर से, ये अभी तक तो step 1 की, अब फिर चलिए इसमें अपने step 7 में, algorithm के step 7 में, ये कौन सा step था ताकि आपको याद रहे, आप देख सकें, ये था हमारे पास step 6. ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कौन सा step लिया था, step 4, आप algorithm के step 4 से देख सकते हैं. अब मैंने लिया step 7. स्टेप 7 में हमने k2 का वैल्यू दिया था, वो था a रेज टू द पावर y mod n, ये दिया था. अब यहां पे a क्या दिया था, a हमने अपने स्टेप 2 में दिया था, a का वैल्यू हमने अपने स्टेप 2 में रखा था, g इज इक्वल टू x mod ऑफ n, यही रखा था. चलिए इसका इक्वेशन सपोज सेकंड रख दीजिए. अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में डालिए a का वैल्यू. जब हमने a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो k2 आ जाएगा g रेज टू द पावर x y मॉड ऑफ n. फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं, g इज इक्वल टू x y मॉड ऑफ n, ये आया हमारा k2 का वैल्यू. ठीक है, अब हमारी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यहां पे g ऑफ x y है या x y दैट इज सेम, तो यहां पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, हमारी बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोलती है, k raised to the power y of x is equal to k raised to the power x. ठीक है, ये हमारी मैथमेटिक्स, और इससे हमें क्या समझ आ गया, k1 is equal to k2 which is equal to k जो उसकी शेयर की थी, therefore this is the proof of equation. ये हमारा proof आ गया, ये था मैथमेटिकल. होप आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे मिलते हैं अगले सेशन में.